हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं लाइट ग्रुपिंग के आर्नोल्ड। उसमें अगर आपको लाइट सेटअप करना है, उसमें ग्रुपिंग करना है, और कॉम्पिंग में वो कैसे हेल्प कर सकती है आगे चल के, आज हम वो ट्राई करेंगे। तो हम बेसिक सा एक सीन सेटअप कर लेते हैं जिसमें हमारा ये प्लेन है। कुछ बेसिक्स ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं हम। ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, आर्नोल्ड की जो लाइट है वो हम सेटअप करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एरिया लाइट, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, रोटेट। अब जैसे मान लो ये हमारी मेन लाइट है, मतलब जो हमारा जो लाइट सोर्स है, ये हमें उसकी तरह एक्ट करवाना है। जो हमारी जैसे की लाइटिंग होती है, तो ये हमारा उसकी तरह एक्ट करेगी ये लाइट। तो इसका जरा हम एक बार रेंडर आर्नोल्ड व्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास लाइट शो हो रही है यहाँ पे। थोड़े से इसके हम सैंपल्स बढ़ा लेते हैं, एक्सपोजर थोड़ा और इंक्रीज करते हैं हम इसका, थोड़ा ज्यादा हो गया ये। ओके हमारे लिए। तो अब जैसे मान लो ये हमारे सीन में एक लाइट है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, यही डिफरेंट लाइट हमें, इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं, इसे हम यहां पे प्लेस कर देंगे। अब लेकिन ये हमारे पास दो लाइट्स हो चुकी हैं। अब इसमें से हमें इसकी शेडो नहीं चाहिए, तो हम इसकी कास्ट शेडोज और कास्ट वॉल्यूमेट्रिक शेडोज इसको ऑफ कर देंगे। तो अब जब हम अपना रेंडर देखेंगे, तो हमारे पास लाइट्स हैं, लेकिन शेडो जो है वो हमारी मेन लाइट से ही आ रही है। लाइट को थोड़ा और दूर कर लेते हैं। ये हमारा सीन है। तो हमारा सीन ये कंप्लीट हो चुका है, हमने दो लाइट्स ले ली हैं। अब मेन बात आती है इनकी ग्रुपिंग की। अब ग्रुपिंग किस लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पे एओवी सेटअप करेंगे, कि जैसे मैंने अभी ये आईडी सिलेक्ट कर रखा है, इसको हटा देते हैं हम। अब मान लीजिए हमें आरजीबी चाहिए। अब जो हमारा आरजीबी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने ड्राइवर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ग्लोबल एओवीज आ रहा है और ऑल लाइट्स बाय ग्रुप्स आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डिफॉल्ट ग्रुप है। अब मान लो हमें कॉम्पिंग में ये चीज चाहिए कि हमें जो सिंगल लाइट है हमारी, जो ये वाली लाइट है, हमें सिर्फ कॉम्प कर रहे हैं जब इस सीन को, तो हमें सिर्फ यही चाहिए या ये चाहिए। तो हमारे पास दोनों के पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए कि हम इसकी जो एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज है वो हम कॉम्पिंग के टाइम पे एडजस्ट कर सके, हमें नहीं चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम बार बार रेंडर तो करेंगे नहीं, तो इसलिए जो लाइटिंग की ग्रुपिंग है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मेन इस लाइट को यहाँ से हम नाम दे सकते हैं, एट्रीब्यूट एडिटर में जाएंगे। अब एट्रीब्यूट एडिटर में जाने के बाद हम यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एओवी लाइट ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफॉल्ट है। इसे हम डिफॉल्ट से रिनेम कर देते हैं की, ठीक है। अब इसके बाद ये जो सेकंड लाइट है, इसे सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह हम नाम देते देते हैं इसको फिल। तो हमारे पास दो लाइट्स हैं, एक की से और एक फिल से। अब जब हम सीन को रेंडर करेंगे, मैं दिखाता हूं आपको, लेकिन जो हमारे एओवीज हैं, मतलब जो हमारा जो आरजीबी एओवी है उसे हमने सिलेक्ट नहीं किया है। रेंडर को पॉज कर देते हैं। अब यहां पे जो आप देख पा रहे हैं ग्लोबल एओवी है और ये है ऑल लाइट्स बाय ग्रुप्स, तो हम इसको भी टिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पहले डिफॉल्ट आ रहा था, अब यहाँ पे की और फिल आ रहा है कि हमारे पास ये दो लाइट्स हैं। तो अब जब हम रेंडर करेंगे और इसको प्ले करेंगे, यहाँ पे आके देखेंगे तो हमारे पास आरजीबी की से है और आरजीबी फिल से है। अब जब हम की करेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइट है, जो हमारी की लाइट थी, सिर्फ उसी का जो एरिया है
वो शो हो रहा है हमारे पास, जो मतलब जो उससे लिटअप हो रहा है, की से जो लिटअप हो रहा है, हमें सिर्फ वही शो हो रहा है। अब सेम ऐसे ही अगर हम आरजीबी फिल से देखेंगे तो हमारे पास जो फिल से एरिया शो हो रहा है वो है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही जब इसका हम ब्यूटी पास देखेंगे तो ब्यूटी पास में हमारे पास ऑल ओवर है। तो अगर कॉम्पिंग के टाइम पे हमें मान लो की को बढ़ाना है तो हम की को अलग से ग्रेड कर सकते हैं, फिल को ग्रेड करना है तो हम फिल को अलग से ग्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट होता है लाइट्स को ग्रुप करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।